चीन अपने आसपास के देशों पर अपना दबदबा कायम रखना चाहता है, इसीलिए चीन ने एक बार फिर से ताइवान को अपनी सैन्य ताकत से डराने की कोशिश की है। गुरुवार को चीन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए ताइवान की तरफ अपने 19 लड़ाकू विमानों को भेजा। दरअसल चीन इस बात से नाराज है कि ताइवान ने 11 देशों वाले प्रशांत व्यापार समूह का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया है। वहीं चीन भी इस व्यापार समूह में शामिल होना चाहता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीनी लड़ाकू विमानों के जवाब में हवाई गश्ती बलों को तैनात किया गया और उन पर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए नजर रखी गई। चीन के लड़ाकू विमानों ने एल शेप में उड़ान भरी। इन लड़ाकू विमानों में 12 J-16 और 2 J-11 के साथ ही बम वर्षक और एक एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट शामिल थे। चीन ने पिछले एक साल में तकरीबन रोजाना ताइवान की तरफ लड़ाकू विमान भेजे हैं। अब चीन ने इस द्वीपीय देश को अपनी सैन्य ताकत से डराने की कोशिश तेज कर दी है। कुछ राजनीतिक घटनाओं के बाद चीन ने अपने लड़ाकू विमानों को ताकत दिखाने के लिए भेजा है। दरअसल चीन का मानना है कि ताइवान का प्रशांत व्यापार समूह में शामिल होना उसकी संप्रभुता में दखल करना है। 1949 में गृह युद्ध के दौरान ताइवान और चीन अलग हो गए थे, लेकिन चीन दावा करता रहा है कि ताइवान उसका अपना इलाका है। बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय निकायों में ताइवान की भागीदारी का भी विरोध करता है। ताइवान ने गुरुवार को ऐलान किया कि उसने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। इस तरह ताइवान और चीन के बीच एक और संभावित टकराव वाला मुद्दा उभर कर सामने आया है। इससे पहले पिछले साल चीन की सेना ने ताइवान की तरफ 18 लड़ाकू विमान भेजे थे। उस समय एक शीर्ष अमेरिकी राजनयिक ने ताइवान का दौरा किया था। जून में 7 औद्योगिक देशों के समूह के नेताओं ने क्रॉस ताइवान जलडमरू मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक बयान जारी किया था, जिसके बाद चीन ने 28 लड़ाकू विमानों को ताइवान की तरफ भेजा था। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच भी विवाद होता रहा है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।